हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम देना है। तो जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और ये वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस वीडियो में मैं 12th वाले स्टूडेंट्स का 10 नंबर बिल्कुल पक्का कराने वाला हूं। यानी कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे तो आपका 10 नंबर हिंदी में बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा ये भी आप लोगों को समझ लेना है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी के उन सभी महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो आपके बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय आते हैं या जीवन परिचय, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से जीवन परिचय हिंदी में इंपॉर्टेंट है। अगर आप टोटल मैं आपको 4 जीवन परिचय बताऊंगा, अगर आप इन 4 जीवन परिचय को पढ़ लेंगे आपका 10 नंबर कहीं नहीं जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 4 मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय को बताऊंगा और एक जीवन परिचय बताऊंगा जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उसको कैसे लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम में वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यानी कि इस वीडियो में एक जीवन परिचय भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लेखक और कवि दोनों का जीवन परिचय बताने वाला हूं, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आज ही कर लीजिए 10 नंबर पक्का। किसी भी बच्चे को वीडियो नहीं छोड़ना है, ध्यान से समझना है क्योंकि आपके पास समय नहीं है, आपको हिंदी में आपकी बार 100 में से 95+ लेकर आना है, ठीक है, 95% प्लस मार्क लेकर आना है, ये हम लोग चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से समझिए जो कुछ हम बताते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे पढ़ाई करनी है कि जिस बुक को आज आप पढ़ रहे हैं कल उसी बुक में एक चैप्टर तुम्हारा भी हो। इस तरह पढ़िए, ठीक है। पढ़ते तो सभी लोग हैं लेकिन आपको कुछ अलग तरीके से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन कौन से जीवन परिचय हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जितने भी हमारे 12th वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 4 ऐसे जीवन परिचय हैं। देखिए, चारों जीवन परिचय आपको दिख रहे हैं। अगर आप इन चारों जीवन परिचय को पढ़कर जाएंगे एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। सबसे पहले देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल, ये हिंदी गद्य के लेखक हैं, ठीक है, यानी कि राष्ट्र का स्वरूप जो चैप्टर हमारा है उसके ये लेखक हैं, ठीक है। तो पहले इनका जीवन परिचय आपको जरूर पढ़ना है। दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। तो आपके हिंदी गद्य में 2 जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन दोनों को पढ़ लेंगे समझ लीजिए 5 नंबर आपका एकदम पक्का हो जाएगा। क्योंकि देखिए, लेखक का जो जीवन परिचय आता है वो 5 नंबर का आता है, ठीक है। अब देखिए दूसरी कंडीशन, ये है हमारे कवि, जो कवि हैं, ठीक है, हिंदी पद्य से, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है जयशंकर प्रसाद जी, इनका जीवन परिचय आप पढ़कर जाइएगा। दूसरा है महादेवी वर्मा जी, क्योंकि ये दोनों महान कवि हैं, ठीक है, इनको आपको जरूर पढ़ना है अगर आपको 10 नंबर क्लियर करना है तो, ठीक है। तो इनको भी अगर आप पढ़ लेंगे 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों आपके कितने नंबर के आते हैं, 5+5=10 नंबर, ठीक है, 10 मार्क्स के दोनों आते हैं। तो ये तो हुआ कि कौन कौन से जीवन परिचय हमारे 12th हिंदी में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आ गया। इन चारों को पढ़ लीजिएगा, चाहे आप कमजोर छात्र हो चाहे ब्रिलियंट छात्र हो, क्योंकि जो कमजोर छात्र होते हैं वो सोचते हैं सर जीवन परिचय पढ़ लेंगे 5-10 नंबर हमारा तो वैसे रखा है, हम तो आसानी से पास हो जाएंगे। तो जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो है और हमारे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जो टॉपर बनना चाहते हैं, उनको ये जीवन परिचय पढ़कर जरूर जाना है। और जितने भी स्टूडेंट हैं सबको अच्छे मार्क्स लाने हैं, सबको टॉपर बनने का प्रयास करना है, ठीक है, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है। चाहो तो इसी समय को सोने में गुजार दो और चाहो तो इसी समय को सोना बना दो, वो आपके ऊपर है। तो सभी लोग चाहते हैं कि मैं इसे सोना बना दूं ताकि आगे हमारी जिंदगी आराम से कटे, ठीक है। तो ये तो था आपका 4 मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय। अब इनमें से एक लेखक का मैं जीवन परिचय भी बताऊंगा, वो कौन से लेखक हैं चलिए देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपका लेखक का जीवन परिचय हम बताएंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय, ठीक है। ये देखिए, यानी कि इनके जीवन परिचय को हम लिखे कैसे। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर 12th में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, ऐसे में हम क्या करें। तो देखिए स्टूडेंट, साहित्यिक परिचय पूछा जाता है अगर, तो आपको जीवन परिचय थोड़ा सा लिखना होगा कि उनका जन्म कहां हुआ, उनकी मृत्यु कहां हुई। तो जब भी आप जीवन परिचय लिखें एक छोटा सा हेडिंग डालें, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ऊपर आपको लिखना है, फिर हेडिंग डालना है जीवन परिचय, यानी कि उनका जन्म कहां हुआ, पिता का नाम क्या था, उनकी मृत्यु कहां हुई, ठीक है, ये आपको लिखना होगा, तभी तो आप उसकी साहित्यिक परिचय लिखेंगे। तो देखिए यहां पर डॉक्टर अग्रवाल, या आप
लिखिएगा डॉक्टर वासुदेव फड़न अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनका जन्म कब और कहां हुआ था, ये तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए, डॉक्टर अग्रवाल का जन्म सन 1904 में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। यानी कि इनके माता पिताजी जो हैं ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहते थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि इनका बचपन भी लखनऊ में ही बीता और इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं हुई। अब इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MA तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर DLit की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, यानी कि इन्होंने MA किया काशी हिंदू विश्वविद्यालय से तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर DLit की उपाधि प्राप्त की। आप चाहे तो इस लाइन को ना लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग सबसे पहले इनका जन्म कहां हुआ, इनके माता पिता कौन है, ठीक है, इनकी मृत्यु कहां हुई, ये सिर्फ आपको जीवन परिचय में लिखना है। बट मैंने थोड़ा लॉन्ग लिख दिया है ताकि आप लोग समझ सकें। ठीक है, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं, ये जीवन परिचय हेडिंग डालिएगा, फिर आगे के जो लाइनें हैं देखिए ये। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ ज्यादा लिख दिया है, आपको थोड़ा कम करके लिखना है। ठीक है, क्योंकि मेरा तो काम है आपको बताना। अब मैं इतना ज्यादा बता दूंगा तो आपको याद हो जाएगा। आप अपनी भाषा में लिखिएगा, ठीक है, जितना वर्ड में पूछा गया है उतना ही वर्ड में लिखिएगा। तो देखिए, यहां पर डॉक्टर अग्रवाल ने पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष और बाद में आचार्य पद को किया। ठीक है, तो ये सब लाइनें आप नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मेनली साहित्यिक परिचय लिखना है। ठीक है, लेकिन मेरा तो काम है, मैं बता दूंगा आपको, तो कुछ तो आपको याद ही रहेगा, आप आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक पद पर, केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग में संचालक पद पर तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष तथा आचार्य पद पर भी कार्य किया। यानी कि इन्होंने कहां-कहां कार्य किया, क्या किया, वो यहां पर बताया जा रहा है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इनकी देखिए, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का यह महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया। ठीक है, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टार्टिंग की लाइन है, इनका जन्म कब और कहां हुआ था, इनके पिता कौन थे, कहां रहते थे, ठीक है, और इनकी मृत्यु कहां हुई, ये लाइन आपको जीवन परिचय में पहले जरूर लिखना है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, हेडिंग डालेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो है साहित्यिक परिचय। आप लोग यहां पर हेडिंग कर दीजिएगा साहित्यिक परिचय, इसमें साहित्यिक योगदान लिखा है। ठीक है, आप लोग इसको साहित्यिक परिचय लिखिएगा, समझ में आया। देखिए, ऐसे लिखना है, डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। यानी कि साहित्यिक परिचय में क्या कहना है कि ये कौन थे, क्या करते थे, ठीक है, किस प्रकार से इन्होंने योगदान दिया, ये सब आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है। ठीक है, तो देखिए, इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कृष्ट इच्छा थी, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित हैं। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्र का स्वरूप है वो भी लगभग उसी से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या-क्या किया, इन्होंने वाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया और प्राचीन महापुरुषों जैसे श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टि से बुद्धिसम्मत चरित्र प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, तो दैट्स अ साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में आपको लिखना होता है ये कौन थे, इन्होंने कैसे योगदान दिया साहित्य में, ठीक है, किस प्रकार से इन्होंने कार्य किया, क्या क्या किया, वो आपको लिखना होता है साहित्यिक परिचय में। तो जीवन परिचय में आपको उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनके माता पिता का नाम, ठीक है, और साहित्यिक परिचय में आपको लिखना होता है उनके साहित्यिक योगदान को कि आखिर उन्होंने साहित्यिक योगदान कहां कहां दिया। ठीक है, अब देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट हेडिंग रहेगा यहां पर कृतियां। अब इनकी रचनाएं, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम में रहेंगी कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए, यानी कि उनकी रचनाओं को लिखिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। अब रचनाएं पढ़ना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अगर आप रचनाएं पढ़े रहेंगे तो जो हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उसमें भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, कृतियों में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध, शोध एवं संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नवत है। ठीक है, यानी कि इनकी रचनाएं जो है निम्न है, यानी कि इन्होंने निबंध,
प्रबंध रचना की, शोध आलोचना संपादन, ठीक है, तो सब कुछ किया इन्होंने। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे निबंध संग्रह, यानी कि इनके निबंध कौन कौन से हैं, निबंध रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, पुत्रो पवित्रा, ठीक है, ये संस्कृत वर्ड है, पुत्रो अहम पृथ्वीया, ठीक है, वाग्धारा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। यानी कि इनके जो निबंध हैं वो कौन कौन से हैं, पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृत, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, पुत्रो अयम पृथ्व्या, वाग्धारा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। तो ऐसे ही बहुविकल्पी प्रश्नों में आता है कि भारत की एकता निबंध संग्रह के लेखक कौन है, तो अगर आप पढ़े रहेंगे तभी तो आप बता पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं पता होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा। शोध प्रबंध, इनकी कुछ रचनाएं हैं पाड़िनकालीन भारतवर्ष, ठीक है, शोध प्रबंध में इन्होंने पाड़िनकालीन भारतवर्ष की रचना की। उसके बाद आलोचना ग्रंथ में कौन कौन सी रचना की, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, यानी कि आलोचना में इन्होंने पद्मावत की संजीवनी व्याख्या की और हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन भी किया था, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, संपादन के क्षेत्र में इन्होंने कैसे कार्य किया, पाली, प्राकृत और संस्कृत की एकाधिक ग्रंथों का, ठीक है, तो ऐसे इन्होंने रचनाएं की थी। तो ये सब इनकी कृतियां हो गई। तो ऐसे ही आपको जीवन परिचय लिखना होता है, सबसे लास्ट में आपको कृतियां लिखनी होंगी, ठीक है, और इसके उससे पहले आपको साहित्यिक परिचय और थोड़ा सा हेडिंग डालना होगा जीवन परिचय, ठीक है। पहले आपको जीवन परिचय हेडिंग डालकर इनका जन्म, इनकी मृत्यु लिख देनी है, फिर साहित्यिक परिचय में इन्होंने कैसे योगदान दिया, फिर इनकी रचनाओं को लिखना है, कृतियों को, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे, देखिए यहां पर मैंने 4 मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध भी बताया और ये भी बताया कि आपको लिखना कैसे, सॉरी 4 मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय मैंने आपको बताया और ये भी बताया कि आपको जीवन परिचय कैसे लिखना होता है। तो अगर आप इन चारों जो कवि और लेखक हैं इनका जीवन परिचय पढ़कर जाएंगे तो 10 नंबर आपका कहीं गया ही नहीं है, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप 100 में से, ठीक है, 100 में से 95 प्लस आसानी से ला सकते हैं, ठीक है, 99 भी ला सकते हैं, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है। बट अगर आपको 100 में से 95 प्लस लाना है, यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर हमारा जो जीवन परिचय है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है क्लास 12 हिंदी का, वो यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो? अगर आपको ऐसे ही किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर फिनिश होता है, तब तक के लिए जय हिंद।